दिगंत आने का, आपने कुछ नई स्कीम निकाली है गुड़गांव के लिए, क्या निकाला आपने? फ्री होम डिलीवरी। गाइड शॉप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है हमारी गुड़गांव की दुकान। यहाँ दोस्तों गाइड शॉप इन गुड़गांव, जिसका नाम है T2 गाइड शॉप। अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम मेरा वीडियो के ऊपर, वन ऑफ दी ऑथेंटिक गाइड शॉप इन गुड़गांव, जो जेन्युइन बरेली का मांझा, जो ओरिजिनल बरेली का मांझा यूज़ करती है, बिकॉज काफ़ी कुछ तो हम ही ऑर्डर करवाते हैं भैया को, और ये उनकी शॉप है। तो इस बार भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट जो इस बार रिव्यू करने का ना, भैया ने ना बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, तो हम भैया से मिलवाते और भैया से पूछेंगे कि भैया ने क्या स्कीम निकाली है। तो चलते हैं नरेंद्र भैया के पास। तो नरेंद्र भैया कैसे हैं आप? बस कैसा चल रहा है आजकल? मतलब यहाँ पे काइट स्पोर्ट उड़ा रहे हैं लोग, बच्चे पतंग मांग रहे हैं। डाउन चल रहा है। डाउन मतलब रीज़न वही प्लास्टिक मांझा, प्लास्टिक और डिमांड कम है। हमारे पतंगों की डिमांड है, लेकिन मांझे की डिमांड कम है। ठीक है, मनेंद्र भाई से मिलते पहले थोड़ा सा कितना यहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से मांझे दिखाएंगे, जिसमें से आपको ये शना का मांझा हो गया, हमारे राशिद का मांझा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए HMB का मांझा भी है, ये अभी उन्होंने बीच में ऑर्डर किया था। राशिद के मांझे और भी है यहाँ पे, ये कुछ एक एक की चरखियाँ बनवाई थी राशिद से, तो सारी चरखियाँ इसके ऊपर ये, और एक ये चरखी और दिखा रहे हैं यहाँ पे, अदनान अली का देखिए यहाँ पे। तो काफ़ी मैं जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ब्रांडेड मांझे इनके पास मिलते हैं। वन ऑफ दी ऑथेंटिक शॉप है, जहाँ पे आपको ओरिजिनल बरेली का मांझा, अगर आप रह रहे हैं गुड़गांव में तो अगर आपको चाहिए बरेली का ओरिजिनल मांझा, तो बिल्कुल आप T2 का शॉप पे, ये नंबर मैंने आपको दिखाया, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। देखिए ये YKC का भी 11926 है यहाँ पे, ये सब दिखाते हैं आपको। अभी चलते हैं आगे, बाकी पहले नरेंद्र भाई के पास फिर चलते हैं। नरेंद्र भैया आपने काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टॉक रखा हुआ है, तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन इस टाइम पे कैसा रहा आपका? मतलब थोड़ा डाउन है। पर नरेंद्र भैया थैंक यू कि आपने लास्ट टाइम भी, मतलब मैं सुनने में आया था कि पिछली बार भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की इस बार भी अच्छे जेन्युइन मांझे लेके आए गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में जेन्युइन मांझे को लेके क्या डिमांड रहती है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया वो रहती है? गुड़गांव में लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि मांझा कैसा अच्छा होना चाहिए, कैसे कोई तोड़ के देखता है, कोई घिसके देखता है, मतलब उतनी नॉलेज नहीं है मांझों को यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जेन्युइन मांझा यहाँ पे आए, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले। कभी कोई शिकायत नहीं आती मांझे नहीं आती, बिकॉज आप दुकानदारी का मांझा लगाते हैं, देखा शौकीनों का मांझा ही लगवाते हैं जो मैंने देखा है, ताकि जिस पर अच्छे चार हाथ लगे होते हैं, प्रॉपर मटेरियल डले होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली बात, जो एक मेन रीज़न था आने का, आपने कुछ नई स्कीम निकाली है गुड़गांव के लिए, क्या निकाला आपने? फ्री होम डिलीवरी, मतलब गुड़गांव में विद इन गुड़गांव 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी आप दे रहे हैं गुड़गांव, वो भी जो 1000 रुपये से ऊपर की परचेज होगी। ओके, तो दोस्तों गुड़गांव में अभी तक कोई ऐसी शॉप नहीं जितने फ्री होम डिलीवरी दी हो, तो नरेंद्र भैया ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आप बस हमें कॉल कीजिए, आपका सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा, मांझा जो दिखाएंगे वही मिलेगा, कुछ होगा तो ऊपर इंचे 2-3 चरखियाँ एक्स्ट्रा रखेंगे, तो सिर्फ धागे वाला कॉटन वाला फोन ना करें। बिल्कुल, देखो चाइनीज मांझे को हम सपोर्ट नहीं करते, देखिए भैया ने इतना कुछ वो कर रखा है, ब्रांडेड मांझे लगाए हैं, तो चाइनीज मांझे का तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अगर उनको चाइनीज मांझा बेचना होता ना, तो वो इतना अच्छा मांझा लेके भी नहीं आते यहाँ पे, वो मांझा लेके आए अच्छा, ताकि आप लोग चाइनीज मांझे को काट सके, आपको पता चले कि कॉटन में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो प्लास्टिक मांझे को काट सकता है। तो नरेंद्र भैया आपने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, होपफुली आपको अच्छे रिस्पांस मिलेगी। गुड़गांव में कई बार होता है कि लोग काम धंधा करते तो कर नहीं पाते, और 15 अगस्त आने वाली है, तो डेफिनेटली जिनको 15 अगस्त में अच्छी डोर और मांझा चाहिए तो आपको कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बढ़िया, इस टाइम पे आपने क्या क्या लेके आए स्टॉक में, इस बार नया क्या लेके आए स्टॉक में? नया मेरे पास 9000 का है, HMB का है, 1500 का, ये HMB हमारे हबीब जी का है जो है, ये बिल्कुल, ये कितने कोड का है ये? 9 कोड का है, ये 9 कोड का ये। ओके, मतलब थोड़ा सा बड़ी पतंग उड़ाने के लिए हो गया, और यहाँ पे मैंने देखा कि लोग तोड़ के भी देखते, थोड़ा सा स्टैंड को भी देखते हैं, समझाना थोड़ी भारी पड़ता है प्लास्टिक काटने के लिए बिल्कुल। और ये अदनान अली जी का है, कौन सा ये? 70 स्पेशल, क्या बात है दोस्तों, ये देखिए कलर अच्छा। नरेंद्र भैया आप चरखियाँ बेच रहे हैं कि आप रील में भी डील कर रहे हैं, मतलब खुली रील भी दे रहे हैं? खुली भी दे रहे हैं, जैसे भी चलेगा, जैसे भी डिमांड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड कम है। बाकी होम डिलीवरी में क्या रहेगा, उसमें चरखी जाएंगी? उसमें चरखी जाएगी, 2 रील चाहिए, 2 रील मिल जाएगी, 6 रील चाहिए बिल्कुल, आपको कारियर का नाम देना है। और उसके बाद आप HMB की एक और चरखी रखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए HMB की चरखी रखी हुई है, ये मेहताब साहब की है, ये भी नो कोड है,
ये देखिए दोस्तों, इसके बाद जाहिदन वाइस की चरखी आई है। ये हमारे जाहिदन वाइस साहब की चरखी है। ये कलर में थोड़ा सा खोल के, ये बहुत बिका मेरे ख्याल से, मैंने उसी में देखा था जब दुकान पे आया था, तो काफी लोग डिमांड कर रहे थे। बहुत बढ़िया क्वालिटी लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों चरखी अंदर देखिए, ये मेरे सामने बहुत खुली हुई बिकी है। और डोर देखिए बहुत, मतलब कहते ना कि जैसे एक क्वालिटी आती है कि शार्प के साथ एक वो काटा होता है प्रॉपर हर चीज। और कलर कितना प्यारा है जाहिदन वाइस की, और क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए अब इसके अलावा राशिद का भी है, राशिद भाई का भी है। राशिद भाई ने आपके लिए चरखियाँ भेजी है, एक एक वो दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों कईयों को ना जैसे बच्चे मांगते हैं, ये लगी हुई शायद ऊपर, ये वाली है कौन सी है। देखिए ये राशिद भाई ने इस बार क्या किया है कि चरखियाँ लगाई हैं एक एक रील के भैया ने बनाई थी। कई बार क्या होता है कि ना आपको चाहिए होती है सिंगल रील के अंदर, तो वो भी अवेलेबल है आपके पास, ये चरखी मिल जाएगी आपको। ये देखिए ये राशिद भाई ने लगाई है, ये कितने तार पे है, ये 12 तार पे है, ये 12 तार के ऊपर, ये एक रील चरखी है राइट। तो मतलब 15 अगस्त की पुलों की तैयारी कर लिया आपने। और कुछ देखिए पतंगों का शौक खेती ग्राम भी है आपका, ये शन्नू रिजवान भी आप जानते होंगे, इसका मैंने भी रिव्यू किया था शन्नू रिजवान का। ये कितने पे है, ये 12 तार पे के, ये 6 कोड है, ये 6 कोड है, जो मतलब बारीक डोर देख रहे तो वो भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव में ऑथेंटिक शॉप मिलेगी जिसपे बरेली से माल आया, ऐसा नहीं कि जयपुर या कहीं से माल आया हो, बहुत ऑथेंटिक माल लेके आए हैं। और बहुत प्यारी डोर लगी हुई है, बहुत मतलब तेज काटा जो होता है ना, एक चाहिए होता है, बहुत ही प्यारी डोर, बहुत अल्टीमेट, बहुत दोस्तों। तो कुछ इसका कोई प्राइस चना रिजवान का, कुछ अगर चरखी लेनी हो तो कितने की पड़ जाएगी ये वाली, 1500 रुपये। ये चरखी कितनी रील है इसके अंदर, 6 रील की चरखी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये देखिए, ये एक निकाला था बीच में YKC वालों ने, एक AKG टैच करके जंग भाई, ये छतों के लिए निकाला था। ये देखिए दोस्तों YKC की पेशकश, आप देख सकते हैं YKC की पेशकश, ये बीच में आया था ये छतों के लिए। कितने तार का है ये, 6 तार का, ये भी देखिए 6 तार का है और छतों के लिए निकल के आया था। मैंने भी इसका बीच में वीडियो देखा था, बाकी कभी यूज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन भैया लेके आए हैं, भैया खुद जा रहे हैं टाइम पे करवा रहे हैं, तो अपना माल बना रहे हैं कि आप लोगों के पास। देखो मेन भैया का जो एक प्रोस्पेक्टिव है ना, ये है कि भैया एक अच्छी डोर देनी है जो अगेंस्ट चाइनीज लड़े, ताकि आप लोगों को पता चले कि चाइनीज डोर कट जाती है। और काफ़ी ब्रांड यहाँ पे दिख रहे हैं जो मतलब होते हैं कि दुकानदारी के साथ वो भी रखे हुए, जो थोड़े सस्ते भी है, मतलब आपके पास हाई क्वालिटी से लेकर लो क्वालिटी सब मिलेगी। देखिए रियासत भारती की भी डोर रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, बिल्कुल ये 6 तार में है, 6 तार में बात देख। अब देखो आपको 7 स्टार दिखाते हैं, राशिद का वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे 9 तार के अंदर देखिए, ये राशिद की डोरें लगी हुई नीचे, 9 स्टार है राशिद भाई का, 1-2-3 में। ये देखिए भैया 1-2-3 में 9 स्टार, जो लच्छी वाला मांझा वो भी रखा हुआ है, इनकेस अगर आप देख रहे हैं एक 1-2-3 की डोर, और बहुत ही बारीक और स्मूथ जो एक राशिद की क्वालिटी है 9 स्टार के ऊपर। ये देखिए 1-2-3 की डोर भी रखी हुई है, बहुत ही अल्टीमेट भैया, ये तो खत्म होने वाला राशिद का, ये भी 1-2-3 के ऊपर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। ये देखिए दोस्तों राशिद की एक और क्वालिटी यहाँ पे 1-2-3 के ऊपर मिल जाएगी, ये उनका 7, ये भी 9 स्टार है जो लच्छी बना हुआ है। तो दोस्तों देखो ऐसा नहीं है कि खाली दुकानदारी का माल, यहाँ पे सब शौकीनों के माल भी रखे हुए हैं इन्होंने, जिससे आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपका है काला बिच्छू, हमारे शाकिर भाई का आप देख सकते हैं, इसका अगर मैंने पूरा वीडियो किया हो और मैं खुद उड़ाता भी हूँ ये तो मैदान पे, ये 1-2-3 के ऊपर है, बिल्कुल 1-2-3 के ऊपर है, तो मैं उड़ा रखा खुद का, मैं यूज़ भी करता हूँ। ये हमारे जाकिर भाई की डोर है, जाकिर गरगोश की डोर है, ये देखो आप देख सकते हैं जाकिर भाई की जो एक जेन्युइनिटी रहती है वही लगा हुआ है, और डोर वही जैसे रहती है क्वालिटी की, भैया मैदान पर लड़ने वाली डोर है उस हिसाब से डोर है ये, तो एक टूर्नामेंट टाइप की जो डोर है वो भी मिल रही है। देखो गुड़गांव में जहाँ पे पतंगबाजी ऐसी नहीं होती, लेकिन भैया वहाँ पे पतंगे और मांझे ऐसे लेके आए हैं कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1-2-3 की डोर भी है, 6 कोड 9 कोड भी है, 12 कोड, बस यहाँ पर डिमांड क्या है, बच्चे डोर तोड़ के देखते हैं, सबसे घाटा ही होता है डोर तोड़ के देखते हैं, वो समझ में नहीं आता, तो वो है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे स्टॉक भी है, ये भी रख, एक ये रखा हुआ ट्रांसपेरेंट में, ये कौन सा रखा है, ये वाला 7 स्टार का जो ये है, ये कौन कितनी तार का है, ये 6 कोड जी। ये देखिए ये 6 कोड में है उनका, ये दोस्तों 6 कोड में जो उनका 7 स्टार रहता है मैदान के लिए जो बनाते हैं, वो भी यहाँ पे आया हुआ है, और प्रॉपर तरीके से जो होता है ना कि मतलब आपके एक जो रहता है कि चिकना मांझा जो रहता है लंबे पेचों के लिए, वो डोर बनी हुई है राशिद भाई की, तो राशिद भाई का भी यहाँ पे 7 स्टार मिल रहा है, मैदान के लिए भी मिल रहा है, मतलब इस हिसाब से क्वालिटी है कि अगर आप कोई मांगने आना तो दिल खुश हो जाए उसका, और बहुत ही अच्छे थे। कभी पहले चैन का मांझा चलता था ये
ये तो पुराने मांजे हैं चेन के ऊपर जो आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराना डिमांड में रहता था। बाकी दोस्तों रोड पे शॉप बनवाया था ये वाला मांजा, राशि से बनवाया था अपने। हाँ जी, अच्छा उसने उसका 5 स्टार लगाया। ये गुजरात का धागा एक्चुअली प्रीमियम धागा है, इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। आप देखोगे तो डोर वाकई में बहुत अच्छी लगी हुई है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। चाइना के लिए तो ऐसी डोरें चाहिए जो मतलब जिनमें ताकत भी हो जिनमें धार भी हो। तो ये चेन का मांझा अगर आप सर्च करेंगे तो भैया गुजरात की धागा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आता है वाला। तो नरेंद्र भैया ने काफ़ी अच्छा सामान रखा है यहाँ पे गुड़गांव के लिए, और गुड़गांव में भैया पतंगबाजी कहता है कि कमी होती आ रही है और मोस्टली चाइनीज मांझे की डिमांड है। अब दिखाते हैं कुछ पतंगों का स्टॉक। तो सबसे पहले देखिए आप बड़ी पतंगें यहाँ पे रखी हुई है, जो बड़ी पतंगों के शौकीन है उसके हिसाब से मांझा भी। जैसे देखिए ये बड़ी पतंग, ये तावा रखा हुआ है ना, ये वाला तावा रखा हुआ बिल्कुल। और कुछ अभी कहाँ की पतंगें आई हैं इस बार? ये लखनऊ की है, देखिए सर ये तो कुछ स्टॉक मुझे मालूम है कहाँ से आया है, ये स्टॉक तो मुझे मालूम है कहाँ से आया है। इनके पास भी देखो गुलजार की पतंगे और कुछ आई है यहाँ पे। एक्चुअली कुछ इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे कुछ अच्छे मांगने वाले भी आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी पतंगे इन्होंने रखी हुई है। बिल्कुल, ये हमारे लकी मिर्जा की पतंगे हैं जो इन्होंने मेरे से कहा था कि मुझे करवा देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुड़गांव में कुछ लोग आते हैं जो अच्छी पतंगे मांगते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने एक अलग से अच्छी पतंगों का स्टॉक रखा हुआ है। और कुछ इन्होंने रखा हुआ है कि स्टार्टिंग से बच्चे मांगते हैं 5-5 वाली पतंगे, जैसे तिरंगा मांगते हैं बरेली के पतंगे से रहते हैं थोड़े थोड़े। ये बरेली की तिरंगे देखो दोस्तों, ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये एफ आई बरेली की पतंगे हैं यहाँ पे देखिए आप। ये कितने से स्टार्ट है मंजोली यहाँ पे? मंजोली 5 रुपीज से स्टार्ट है और अद्धी 10 रुपये की है। अद्धी 10 रुपये की, सोनी 15 रुपये, 15 रुपये की। अद्धी कहाँ की? सब वहीं पे बरेली की है सारी। बाकी जो अलग से क्वालिटी वो आपका मिक्स एंड मैच आपके पास, सब रखी जो अच्छे वाली की है तो मिल जाएगी। और बाकी देखिए बच्चों के हिसाब से बहुत ही मतलब अल्टीमेट रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों प्लास्टिक के साथ, देखिए बहुत अच्छी सी क्वालिटी रखी हुई है इन्होंने, काफ़ी कुछ यहाँ पे बच्चों के हिसाब से। अगर आपको बच्चे के लिए 15 अगस्त आ रहा तो आप बिल्कुल यहाँ से। और सबसे अच्छी बात है इनके पास सिंगल सिंगल चरखी भी है, जो एक एक चरखी आपको पूरी पूरी मिल जाएगी, आपको उतरवानी पड़ेगी। और बेस्ट पार्ट नरेंद्र भैया का, नरेंद्र भैया ने कराया होम डिलीवरी पूरे गुड़गांव में। तो भैया आपको मांझा चाहिए अच्छा, आपको दिखाया कितनी क्वालिटी के मांझे हैं, पतंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा स्टॉक भरा पड़ा है यहाँ से एकदम से। ये देखिए पूरे कुछ डिज़ाइन दिखा के निकाल के दिखाते थे बच्चों के, देखिए ये बच्चों के बेंटन टाइप में से बच्चे मांगते हैं। और ये कुछ देखिए बिल्कुल जो रहता है, ये देखिए पतंगे, ये अद्धी है मेरे ख्याल से राय। ये कितने की है? 10 रुपये, ये 10 रुपये की अद्धी है दोस्तों। तो अभी आप गुड़गांव में अगर देख रहे हैं शॉपिंग देख रहे हैं बच्चों के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भैया फ्री होम डिलीवरी मंजोली है, ये मंजोली 5 रुपये की, देखिए बिल्कुल 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 लंबे काट की मंजोली है ये। और कहाँ पे कुछ स्टॉक दिखाते हैं थोड़ा सा और बच्चों के लिए, क्योंकि मेन बच्चों का तो काफ़ी भैया ने भर रखा है। देखिए प्लास्टिक पतंगे काफ़ी भर रखी है भैया ने, ये देखिए काफ़ी पतंगे बेंटन की जैसे होगी, ये हो गई डोरेमोन की हो गई। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है, अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हो, खुद के लिए भी देख रहे हो तो खुद के लिए तो आप भैया ने दिखाई दिया कि अगर आपको एक्सक्लूसिव स्टॉक चाहिए तो उनके पास गुलजार की पतंगे भी है, उनके पास बरेली के कोने भी हैं, लखनऊ के कोने भी हैं, वो आपके लिए अलग से जो शौकीन लोग हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए जैसे 5-10 रुपये तो वो भी आप कर सकते हो। और मांझे की तो आप देखो पूरा का पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, आपके पास इतने अच्छे अच्छे मांझे मिल जाएंगे ना तो आप प्लास्टिक मांझे को बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लास्टिक मांझे को अवॉइड कीजिए। भैया कुछ कहना चाहेंगे प्लास्टिक मांझे के लिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए प्लास्टिक। अभी दिल्ली की एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है कि वो हर जगह ध्यान रखेगी, जहाँ भी कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसको भैया कंप्लेंट, पहले उसको वार्निंग दी जाएगी, अगर नहीं हुआ उसके बाद वार्निंग दी था कंप्लेंट की जाएगी। वो मीटिंग कर रहे हैं पुलिस वालों से भी, जो कमिश्नर तो हेड है उनसे बात कर रहे हैं। तो होपफुली गुड़गांव में भी एक एसोसिएशन बनाई जाएगी बहुत जल्दी, यहाँ पे भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे आप सब दुकानदार मिलकर एक एसोसिएशन बनाइए और इसके अगेंस्ट में आप रेस कीजिए, मतलब मेरा कहना चाहूँगा कि आप सब मिलेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन निकलेगा। बाकी इसमें हम सबको मतलब इवन जो भी हमारे गुड़गांव के देखने वाले हैं उनके पास भी कोई अगर जानकारी है हाई अथॉरिटी, उनसे रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव में भी कुछ ऐसा निकाले ताकि यहाँ पे प्लास्टिक मांझा बिल्कुल बंद हो जाए। बिकॉज मैं जब यहाँ पे परसों तीज पे आया था तो बच्चे ना गट्टे लेके घूमे थे हाथ में, उनको समझाया कि भैया ये खराब है, इनसे एक्सीडेंट होते हैं या इससे आपको भी नुकसान है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पेरेंटिंग यहाँ पे ना, पेरेंट्स को यहाँ पे आगे आना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, बेटा आप गलत चीज़ उड़ा रहे हो, इल्लीगल चीज़ उड़ा रहे हो। तो नरेंद्र भैया कुछ आपकी तरफ से एक्शन रहेगा इसके ऊपर, कुछ बात करेंगे? तो बात ही नहीं करते जो प्लास्टिक मांगता है। नहीं, मैं कहूँगा कि जो जितने भी दुकानदार आप सब मिलकर आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बना के अगेंस्ट स्टार्ट होगा आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेंद्र भैया की शॉप थी और नरेंद्र भैया ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है गुड़गांव के लिए, फ्री होम डिलीवरी। वंस अगेन फ्री होम डिलीवरी जो बेस्ट रहेगा ओनली गुड़गांव। बिल्कुल बिल्कुल।